खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, जो कि इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। और आज पूर्णमासी का पहला श्राद्ध है। श्राद्ध की जब बात होती है तो आप पितृ दोष की बात करते हैं, कई तरह की परेशानियों से आप घिरे होते हैं। तो कौन कौन सी परेशानी आपको होती है और इस श्राद्ध पक्ष में आप कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि वो दूर रहे, आज हम गुरु जी से यही जानेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की बातें होंगी ही, जिसमें परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, राशिफल और वो विचार होगा जो हमारा दिन बना देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम राम गुरु जी। राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरु जी, श्राद्ध में किस तरह की परेशानियों से लोग जूझते हैं और उपाय इस दौरान कर सकते हैं, आमतौर पर कैसी परेशानियां लोगों को होती हैं जिनके उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, ये जो श्राद्ध पक्ष होते हैं ये दो कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, हम अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को याद करते हैं, जो बेहद आवश्यक है। और दूसरी चीज ये है, इस समय में किए गए कुछ उपायों से बहुत लाभ होता है, बहुत सुख शांति जीवन में आती है, रुके हुए बहुत सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जैसे पितृपक्ष एक बहुत बड़ी परेशानी से मुक्त कराता है और इस परेशानी का नाम है पितृदोष। मैं जिस पितृदोष की बात कर रहा हूं वो ग्रह के योग से बना हुआ पितृदोष है, वो पितरों का यानी पूर्वजों का दोष नहीं। दो प्रकार की इसमें मान्यता है। तो मैं ग्रहों के आधार पर जो पितृदोष की उत्पत्ति होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके लक्षण क्या है? धन आएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा नहीं, रुक भी गया तो बीमारी में चला जाएगा, बीमारियां कभी जाएंगी नहीं। सुख क्षणिक होगा, दुख बहुत लंबा होगा, रिश्तेदार मानेंगे नहीं, हमेशा रूठे रहेंगे, आपके कुछ भी करने के बावजूद वो आपकी बुराई करेंगे, घर में प्रेम होते हुए भी कलह होगी, घर के लोग एक साथ बैठेंगे तो झगड़ा करेंगे, दूर रहेंगे तो बहुत प्रेम से रहेंगे, वंश चलता नहीं, या तो विवाह नहीं होगा, विवाह होगा तो फलीभूत नहीं होगा, या तो विवाह नहीं टिकेगा, या तो संतान होने में दिक्कत होगी, या तो संतान नहीं ही होगी। गंभीर पितृदोषों के निवारण के लिए बेहद आवश्यक है ये 15 दिनों की पूजा। और बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, यकीन मानिए, लेकिन लोग करते नहीं। अच्छा ठीक है, आप विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन जो उपाय मैं बताऊंगा उससे यदि किसी का भला हो रहा होगा तो कर देंगे ना। और उससे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए उसे उसे किसी निर्धन व्यक्ति का भला हो रहा होगा तो कर देंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं लग रहा ना। अब कीजिए, जब पितृदोष बहुत प्रबल हो जाता है तो अनेक वर्ष तक लगातार उपाय करने के बाद रास्ते खुलते हैं, खास तौर से घर गृहस्थी संबंधी, अन्यथा रास्ते नहीं खुलते, अन्यथा मुश्किल हो जाता, विवाह होता ही नहीं। इसीलिए आप पितृदोष का उपाय जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो जीवन में सुख चैन मिलेगा नहीं, कुछ भी टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं चीजें, टिकती नहीं। ये लक्षण यदि आप में है तो उपाय हाजिर है। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध को करना। आगे हम गुरुजी से जानेंगे परेशानियां और उनके समाधान उपाय जो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले राशिफल। गुरुजी, पहली 4 राशियों का दिन कैसा होगा? यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल।
राशि, ये दिन आपके लिए शाम तक बहुत अच्छा अच्छे परिणाम देने वाला है। नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं, पुराने रिश्तों में कोई खटास आ भी गई है वो भी इस दिन ठीक हो सकती है, या अगर किसी रिश्ते में किसी कारण खटास आ भी रही है तो शाम तक उसे आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी रखनी होगी, इस जिन लोगों को पेट और पीठ की दिक्कत रहती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन हनुमान जी का जप पूजन कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, यह दिन काम बनाने वाला है, यह दिन आपको कोई उपहार पुरस्कार भी दिलवा सकता है। कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बस आप एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलें और किसी को अपने राज ना बताएं, किसी के सामने किसी व्यक्ति की आलोचना ना करें, नहीं तो मुश्किल में फंसेंगे। उपाय क्या करने हैं, इस दिन मिश्री के 5 दाने बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं। ठीक, मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन बेहतर है, इसलिए आप भाग्य का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें और दौड़ भाग करके भी यदि आपको आपके कार्य करने पड़े तो एकदम निश्चिंत होकर दौड़ भाग करें, परिणाम जरूर आपको मिलेंगे। बस एक छोटी सी सावधानी रखिएगा कि इस दिन जब आप यात्रा में जाएं, क्योंकि इस दिन यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में यदि आप जाएं तो कीमती सामान या छोटे बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम गंगड़ बताए नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। कर्क राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए मन को शांति मिलेगी इस दिन, बाकी मेहनत से आगे बढ़िए, लाभ होगा। एक छोटी सी सावधानी आपको जरूर इस दिन बरतनी है, इस दिन अपने मन पर काबू रखिएगा, ना घमंड आए, ना क्रोध आए, ना उदासी आए। उपाय क्या करेंगे, अपने इष्ट को सफेद पुष्प भेंट कीजिए, सुगंधित वातावरण में बैठ के उनकी पूजा उपासना कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। तो राशिफल में अपने राशियों के हिसाब से आप उपाय और सावधानियां नोट करते चलिए। और अब आज का जन्मदिन, जिनका आज जन्मदिन है गुरुजी, हैप्पी बर्थडे आपके अंदाज में। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल इस प्रकार है, आपके 12 महीने बहुत अच्छे हैं, परिवर्तन के साथ सफलता देने वाले सिद्ध होंगे, लेकिन आपको कुछ महीनों का ख्याल रखना होगा। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जून, इन महीनों में आप कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। फिर भी मैं ये कहूंगा ये 12 महीने बहुत अच्छे सिद्ध होने वाले हैं, परिवर्तन स्वीकारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। 12 महीनों में प्रतिदिन क्या करना है, दही से स्नान जरूर कीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए, शरीर पर लगाइए, 2 मिनट सुखाइए, फिर स्नान कर लीजिए, तो सब ठीक है। और हाँ, शुक्रवार को माँ दुर्गा की उपासना करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट। अब जीवन में खुशियां भी आती हैं, संघर्ष भी होता है और थोड़ा थोड़ा दुख गम कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, उपाय है जरूर कीजिएगा जो गुरु जी ने आपको बताया है। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, यानी कि श्राद्ध की। गुरु जी, इसमें करना क्या चाहिए जिससे लोगों को समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएं? पहले तो पितृ दोष का निवारण कैसे करना है वह लिखिए। पितृ दोष का निवारण मंत्र समझ में आना जरूरी है। अब आपने क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इसका जप करना है। इस मंत्र के जप से बहुत लाभ होता है। आप एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसे अपने बाएं हाथ में दबा के रखिए और दाहिने हाथ से आप सामग्री छोड़ते रहिए यज्ञ की। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः स्वाहा, ये करते रहिए, ये लगातार करते रहिए और अब आप देखिएगा आपको लाभ होगा, चिंता नहीं कीजिए। बहुत सारे रुके हुए कार्य जो पितृदोष की वजह से रुके हुए हैं वह दूर होंगे और आपकी बाधाएं कम होंगी अगर आप इस तरह से करेंगे। तो एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, कुछ एक रुपया ले लीजिए या कोई और धन ले लीजिए
और उसके साथ साथ गाय, कुत्ते और कौवे का ग्रास निकाल लीजिए, वो भी वहीं रख लीजिए। जब पांच माला कम से कम कीजिएगा, जब ये पांच माला हो उसके बाद फिर हल्दी की गांठ रख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगी। भगवान ना करे घर में किसी व्यक्ति पर कोई संकट आए या किसी का कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो या कोई काम ना बन रहा हो, तो पीले रंग के धागे में इसको बृहस्पतिवार को उनके गले में पहना दीजिएगा और गाय कुत्ते कौवे को उनका ग्रास खिला दीजिएगा, और वो जो धन आप लेके बैठे हैं उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। बस इस प्रकार से आप ये पूजा करें। अब गड़बड़ कहाँ होती है ये अभी बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से नोट करते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान आप जो उपाय कर सकते हैं अपनी परेशानियों को दूर रखने के लिए, और आदर स्वरूप भी अपने बुजुर्गों को आप याद करें। आगे भी हम गुरुजी से जानेंगे और क्या कुछ करना है, लेकिन पहले दिन का शुभ अशुभ समय गुरुजी वो क्या रहेगा? नोट कीजिए पहले अशुभ समय फिर शुभ समय। अशुभ समय में पहला दो मुहूर्त नोट कीजिए, सुबह 8:36 से 9:25 तक, 12:41 से 1:31 तक गुलिकाल रहेगा, 7:41 से 9:13 तक यमगढ़ काल रहेगा, दोपहर में 3:21 से 4:53 तक राहु काल रहेगा, सुबह 10:45 से 12:17 तक शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:52 से 12:41 तक, और अमृत काल रहेगा 11:53 से 1:41 तक। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कुछ नया बड़ा शुरू करना है, तो आप शुभ समय जरूर ध्यान रखें जो गुरुजी ने आपको बताया है। और अब हम जानते हैं बीच की चार राशियों को भी इंतजार है अपने राशि फल का, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का है। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, काम बनाने वाला दिन है, इसलिए खूब मेहनत से अपना काम करने की कोशिश कीजिए, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये दिन अच्छा है। लेकिन एक सावधानी, दोपहर बाद कोई आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, सतर्क रहें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन अनाज का दान करिएगा किसी जरूरतमंद को, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, इस दिन बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। सोच समझ कर बात करें, जिससे बात करें उससे भी बहुत सोच समझ कर कोई अपने राज को बतावें, और कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपको कोई गलत समझ ले और आप पर लांछन लगा दे। बस एक सावधानी और रखिएगा, इस दिन जिन लोगों को पेट की या ठंड से संबंधित कोई भी शिकायत रहती है वो ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, खर्चे की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन बचा कर रखना होगा, अन्यथा धन वेस्ट हो सकता है। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन आप जल्दबाजी में किसी को धन नहीं दीजिएगा और कोई बड़ी खरीद फरोख्त तो नहीं कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, दही का दान दीजिए इस दिन, फिर काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, जिन लोगों को गले की या चेस्ट की दिक्कत रहती है वह थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, किसी की मदद से आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन आप भोजन सामग्री का दान जरूर कीजिएगा और उसमें बेसन या बेसन का लड्डू अवश्य हो। हमें उम्मीद है आप ठीक प्रकार से अपने उपाय और सावधानियां नोट कर रहे हैं, और नोट आपको एक और अहम चीज करनी है, वो ये कि गुरुजी पितृपक्ष में दरअसल करना क्या है, किन बातों का ध्यान रखें। लिखिए, सबसे पहले तो जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है, क्योंकि पांच मालाएं करनी होती हैं, साथ ही साथ अग्नि में आपको सामग्री और घी भी डालना होता है, इससे कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज्यादा मन नहीं लगता पूजा का। मंत्र चलते रहते हैं, हाथ भी चलते रहते हैं, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है वो कहीं और चला जाता है, उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। इसीलिए आपको जो सबसे पहली कोशिश करनी है वो आप एकदम एकाग्रचित रहेंगे। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इस दिन बड़ों से, पितरों से, अपने गुरुओं से, शिक्षकों से अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगी जाती है, और इस दिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि गाय, कुत्ते, कौवे को आप स्वयं कुछ खिला दें, ठीक है ना, या फिर स्वयं खिलाने में एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये चाहते हैं कि गाय सीधे हमारे हाथ से खा ले,
इस चक्कर में इस दिन या कोई कोई दिन जिस दिन लोग उपाय करते हैं उस दिन गाय को इतना खिला देते हैं तो वो खा के बीमार हो जाती है। इसलिए अनेक गौशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि वहाँ एक ड्रम टाइप रहता है, उसमें ले जाके आप डाल दें, वो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ गौपालक जो है गाय को खिला देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा गाय अगर बीमार हुई आपके भोजन से तो दिक्कत होगी। इसलिए गौपालक के अनुशासन के अनुसार ही कार्य कीजिएगा। मैं आपको तीन मुहूर्त बता रहा हूँ क्योंकि तीन मुहूर्तों में इसकी पूजा होती है या इसका यज्ञ होता है या जप होता है, वह तीनों मुहूर्त ध्यान से लिख लीजिए। कुटुब मुहूर्त होगा 11:48 से लेकर 12:36 तक दिन में। रोहिण मुहूर्त होगा दोपहर में 12:36 से लेकर दोपहर में 1:24 तक। और अपराहन मुहूर्त है 1:24 से 3:47 तक, यानी 11:48 सुबह से लेकर 3:47 तक लगातार मुहूर्त चलते रहेंगे। लेकिन यदि 11:48 से 12:36 के बीच में आप यज्ञ करते हैं और अपने उपाय कर लेते हैं, गाय कुत्ते कौवे को भोजन दे लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है और 28 तारीख तक आपके पास समय है। जिस तरह गुरुजी ने आपको गाइड किया है आप जरूर वो करें और इन बातों का ध्यान रखें। और अब अंतिम चार राशियों की बात, गुरुजी उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, सोच समझ कर निर्णय लें इस दिन। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या जो लोग सरकारी कार्य कर रहे हैं वो इस दिन बहुत सतर्क रहें। एक छोटी सी सावधानी बरतनी इस दिन बहुत ज़रूरी है। इस दिन बहुत तला हुआ भोजन या गरिष्ट भोजन ना करें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नारायण नमो नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस दिन आंख मूंद कर किसी की बात पर यकीन मत कीजिएगा और किसी अजनबी की बात पर तो यकीन बिल्कुल मत कीजिएगा। और कुछ लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, उससे भी आपको लाभ नहीं होगा, उसका भी यकीन मत कीजिएगा। एक सावधानी इस दिन बहुत विशेष रूप से रखनी है। जो लोग वाहन तेज गति से चलाते हैं उस दिन विशेष रूप से सावधान रहें। रूल्स ऑफ द रोड का तो ऐसे भी पालन करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यदि आप आग या केमिकल्स पर काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें और चावल का दान जरूर करें। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, नए आइडियाज हैं, जोश है और आपका इस दिन व्यक्तित्व भी निखरा हुआ रहेगा। कुल मिला के समय अच्छा है, अनुकूल है, इसलिए आप मेहनत से अपने कार्य करते रहिएगा। बस एक सावधानी यह है, इस दिन भावावेश में बहकर कुछ गलत मत कर दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? रसीले फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। मीन राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है, यह वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं या यात्रा संबंधी, किसी खास यात्रा संबंधी कोई अच्छी आशा भी बन सकती है। परिवर्तन के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। खास तौर से जिनको सर, नाक की या थायराइड आदि की दिक्कत रहती है वो लोग इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें। उपाय कर लें, इस दिन आप तुलसा पत्ते को अच्छे से धोकर जिह्वा के नीचे रखकर चूसते रहिएगा और इस दिन अपने इष्ट को पीला पुष्प भेंट करके फिर काम पर जुटिएगा। अब दिन तो बढ़िया हो गया, श्राद्ध पक्ष में क्या कुछ करना है जिससे परेशानियां दूर रहें ये भी आपने जान लिया। अब वो विचार भी सुन लीजिए जो हम सबका दिन बना देता है। सुनिए भी और गुनिए भी। एक बहुत अच्छी सूक्ति है, लोभम हित्वा सुखी भवेत, यानी वह इंसान जो लोभ का त्याग कर देता है वह सुखी हो जाता है। अरे वाह, क्या बात कही गुरुजी ने। वैसे तो गुरुजी का हर एक विचार अपने आप में बहुत से मोती समेटे होता है, लेकिन आप देखिए कि जैसा गुरुजी ने कहा, सुनिए भी गुनिए भी तो अपनाइए भी और दूसरों को बताइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन बहुत शुभ हो इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।